हेलो एवरीवन, जय माता की। वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज की रसोई। तो गाइज, आज हम कन्या भोग के लिए बनाएंगे हलवा पूड़ी और चना, और अष्टमी और नवमी आ रही है। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सूजी ली है, तो पहले हलवा की तैयारी करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे सूजी ले ली आधी कटोरी, आधी कटोरी हम घी ले लेंगे, आधी कटोरी लेंगे चीनी, और यहाँ हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं कढ़ाई के पास। तो चलिए गाइज, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, यहाँ देसी घी ले लिया, 2 चम्मच मैंने घी बचा भी लिया है। तो गाइज, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम सूजी डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, सूजी डाल दी तो बहुत अच्छे से बबल्स बन गए। तो हमारी जो सूजी है ना, बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। बहुत अच्छा ट्रिक है, हलवाई भी यही ट्रिक करते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करना इस ट्रिक को। तो गाइस, इतनी सूजी भून ली, तो हम करते हैं पानी की तैयारी। चाशनी हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे। तो गाइस, आधी कटोरी हमने सूजी ली थी, तो यहाँ 3 गुना पानी लेंगे, यानी कि हम 1.5 कटोरी पानी ले लेंगे। और यहाँ 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और फूड कलर डाल देंगे कलर के लिए। अगर आपके पास केसर के धागे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सूजी अच्छे से भून चुकी है, तो ये देख सकते हैं आप। हम यहाँ पर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, इलायची, और हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसी में हमें अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो हम पानी को गर्म कर लेंगे, जो हमने तैयार करा था ना पानी, उसको गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, और हमने यहाँ पर गैस बंद कर दी है सूजी की। और यहाँ पे हम डालेंगे गर्म गर्म पानी, और इसको घुमाते हुए चलते रहेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हमने घुमा के अच्छे से इसको चला लिया है। हमारा हलवा एकदम से गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर ली, अब बन गया गाइस एकदम रसीला सा हमारा हलवा, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी हम रोकेंगे। देखिए गाइस, हमारा एकदम से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, एकदम ड्राई ड्राई हलवा हो गया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से बन चुका है हमारा हलवा। इसको हम घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमारा हलवा एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 प्लेट, और प्लेट लेने के बाद गाइस, हम इस पर गर्मा गर्म हलवा डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी बनाए। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। नवमी अष्टमी आ रही है, तो कंजिका भोग के लिए आप ये बना सकते हैं। बहुत यमी, बहुत ईजी टाइप में है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से बन चुका है। अब गाइस, हम इसको गार्निश करने के लिए, क्योंकि ये हमारा भोग के लिए बना है, तो यहाँ पर हम तुलसा जी के पत्ते डाल देंगे। ये देखिए, तो तुलसा जी के पत्ते डाल के बहुत अच्छे से हमारा बन चुका है। अब हम करते हैं चने की तैयारी। तो हम दूसरी स्टेप करेंगे चने की तैयारी। तो गाइस, गाइस यहाँ पे हमने 1 कटोरी चने ले लिए थे, और 4 से 5 घंटे इसको भिगोने रख दिए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे चने और पानी में डाल देंगे। पानी एकदम से फ्रेश था, यहाँ तेजपाल का पत्ता डाल देंगे और नमक डाल देंगे, ताकि हमारे चने अच्छे से गल जाए। 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी, इसको अच्छे से घुमा देंगे, और यहाँ हम ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी गैस पर रख के लगा लेंगे। तो इतनी सीटी लग रही है, हम करते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी ले लेंगे, यहाँ आधी इंची हमने कद्दूकस कर लिया था, अदरक और 1 हरी मिर्ची, और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी, 1/4 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची, 2 चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे अपने हिसाब से, और 1/4 चम्मच डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी, 1 पीस डाल देंगे गरम मसाला, 2 चम्मच डाल देंगे खटाई अमचूर पाउडर, और यहाँ डाल देंगे हम चिली फ्लेक, कुटी मिर्च, अच्छे से पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा एकदम से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब करते हैं हम, देखते हैं चने हमारे यहाँ उबल गए हैं या नहीं। तो चना हमारे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ देसी घी डाल दिया है, और देसी घी अच्छे से डालने के बाद इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। गर्म हो चुका है, तो यहाँ हींग और जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हरी मिर्च ले ली, हरी मिर्च अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए, हमने जो मसाला तैयार करा था वो ऐड कर लेंगे इसमें, और अच्छे से इसको भूनने देंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, तो अब हम यहाँ चने डाल देंगे और पानी डाल देंगे। चने और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, अब इसको अच्छे से हम, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। चने एकदम से बहुत अच्छी रेडी हो चुके हैं, बहुत सूखे सूखे, यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। आप ऐसे ही बना सकते हैं अपने घर में कंजिका भूख के लिए। तो गाइस, यहाँ पर हम सर्विंग कर लेंगे। यहाँ एक बाउल ले लेंगे, और गर्मा गर्म डाल देंगे छोले चने। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी सर्विंग हो चुकी है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से हमारे चने बन चुके हैं। आप इस तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। नवमी अष्टमी आ रही है, तो आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो एकदम से रेडी हो चुके हैं, गार्निश कर लिया हमने यहाँ पे हरी मिर्च से और हरे धनिया से, आप देख सकते हैं। अब करते हैं हम इसकी पूड़ियाँ बनाने की तैयारी। तो चलिए गाइस, हम एक परात ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक परात ले ली है, और यहाँ हमने 1.5 कटोरी आटा ले लिया है, और 2 चम्मच ले लिया हमने सूजी, और नमक डाल दिया और देसी घी डाल दिया मोमन के लिए। इसको अच्छे से हम अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो गाइस बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमें पानी डाल के, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे, एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका डो बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा बहुत अच्छे से डो बन के एकदम से तैयार हो चुका है। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए रख लेंगे, ताकि इस एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए गाइस, इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं।
तो ये देखिए गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके हम लोई तोड़ लेंगे। तो चलिए गाइस एक एक करके हम इसकी सारी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए गाइस इतनी साइज़ में लोई तोड़नी है, ज़्यादा बड़ी तोड़नी ना ही, ज़्यादा थोड़ी तोड़नी, छोटी इस साइज़ की, और गोल गोल बना के इसकी अच्छे से हम लोई बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस सारी लोई हमारी अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम बेल इसको साइड में रखेंगे और बेलन ले लेंगे और इसमें सारे में हम रिफाइंड लगा देंगे पहले अच्छे से, और रिफाइंड लगाने के बाद ताकि हमारी पूरी बहुत अच्छे से बन जाए, एकदम से गोल गोल बने। तो चलिए गाइस इसको साइड में रख के बेलन ले लेंगे, बेलन पर अच्छे से रिफाइंड लगा देंगे और यहाँ एक एक पूरी करके बेल लेंगे। देखिए गाइस इस तरीके से हमें पूरी बेलनी है, ना मोटी ना पतली, एकदम से एक मीडियम साइज़ में बेल लिए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैं सारी पूड़ियाँ बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाती भी हूँ कि मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। ये देखिए गाइस बहुत अच्छे से हमने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब चलिए अगर चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने गैस पे रख दी कढ़ाई और यहाँ पे हम डाल देंगे रिफाइंड। अगर आप देसी घी बना सकते हैं तो आप वहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड डाल दिया है और यहाँ पे एक एक करके पूड़ियाँ मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल दूँगी। तो ये देखिए गाइस, और फ्लेम हमको ज़्यादा हाई नहीं रखना, ना लो रखनी है, मीडियम साइज़ में रखनी है। तो ये देखिए गाइस फुली फुली हमारी पूड़ियाँ एकदम से रेडी हो चुकी हैं, आपको मैं दिखा दी हूँ। ये देखिए गाइस कितनी अच्छे से हमारी फूल रही हैं, और कलर भी देखिए आप कितना अच्छा आ रही है, बहुत सॉफ्ट बनी है। सूजी डालेंगे ना तो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है, और देसी घी का मोमन डालेंगे तो स्वाद भी बहुत टेस्ट आता है, यम्मी लगती है एकदम से। तो ये देखिए गाइस मैं इसको धीरे धीरे सारी पूड़ियाँ को तल लूँगी। ये देखिए देख सकते हैं आप गुब्बारे की तरह फूल रही है हमारी पूड़ियाँ, एक भी पूरी हमारी बेकार नहीं फूली है। तो चलिए गाइस मेरी सारी पूड़ियाँ एकदम एक एक करके सारी पूड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी पूड़ियाँ एकदम से सारी रेडी हो चुकी हैं बहुत अच्छी से। तो चलिए गाइस अब हम पूरी थाली लगाएंगे भोग के लिए, और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी मैं पूरी थाली लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने चना हलवा और पूरी के साथ, और पूरी पे हमने लगा दिए तुलसी जी के पत्ते क्योंकि ये भोग के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बन रहा है, बहुत टेस्टी। तो आप नवमी अष्टमी के लिए एक बार मेरी तरीके से ट्राई ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय माता की, थैंक यू सो मच अगर आपने फुल वॉच करी हुई तो, और बहुत अच्छा प्यार देना। बाय बाय, टेक केयर।